बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। इसमें पहला टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो बेटा देखिए, इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है? देखिए, इंक्लिनेशन लफ्ज निकला इंक्लाइंड से, ठीक है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है, तो ये अब आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मतलब एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, और ये आपके पास रियल है। तो बेटा इंक्लिनेशन क्या होता है कि कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एंगल बनाए उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन। जैसे ये आपके पास एक लाइन है, लेकिन जैसे आपके पास लाइन है, ये लाइन आपके पास है, ये लाइन आपके पास है एल, और ये जो एंगल बन रहा है, जैसे इसमें अल्फा का नाम दे रहा तो बेटा देखिए, इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कॉल्ड द इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये मैं डेफिनेशन की यहाँ पे लिखता हूँ, इंक्लिनेशन की। दोबारा सुन लेंगे, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल बनाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ लाइन एंड नॉट पैरेलल टू एक्स एक्स टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन बेटा दोबारा सुनने के लिए, क्या होता है यानी क्या होता है इंक्लिनेशन? के कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एंगल बनाती है, और ये नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, इंक्लाइंड होगी। देखिए इंक्लिनेशन ये बना ही जो है ना, ये वर्ड बना ही इंक्लाइंड इंक्लाइंड से, ठीक है। तो इंक्लाइंड का मतलब यानी पैरेलल नहीं होगी, थोड़ी तिरछी होगी, टेढ़ी होगी, ठीक है। तो कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल बनाती है, इसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है।
इसको ज्यादा हम लोग शो करते हैं अल्फा से शो करते हैं, ठीक है, इसे शो करते हैं अल्फा से, ठीक है, अल्फा से कह लें या बीटा कह लें, थीटा कह लें, ये दो या इंक्लिनेशन, ठीक है। और ये हमेशा जो इंक्लिनेशन क्या होता है कि जीरो जीरो लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 180 डिग्री, यानी इंक्लिनेशन है हमेशा जीरो से लेके 180 डिग्री के दरमियान होगा, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया बेटा इंक्लिनेशन, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कई दफ़ा आपसे ये मैं पूछता हूँ कि भाई कोई लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को कट करती है इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, देखिए ऐसी लाइन जो फर्स्ट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसी लाइन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कट कर इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, बेटा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और थर्ड क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो लाइन कट कर रही है यानी फर्स्ट को और थर्ड क्वाड्रेंट, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, तो आपको याद होगा देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को लाइन कट करती है, देखिए अब इंक्लिनेशन क्या होता है, ये तो आपके पास है रीजन। इंक्लिनेशन क्या होता है कि वो यानी कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है अपवर्ड डायरेक्शन तक, अब देखिए टोटल ये एंगल होता है 90, ठीक है, और ये यहाँ तक क्या हो जाएगा 45, यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को फर्स्ट इसका इंक्लिनेशन अल्फा क्या आएगा 45 आ जाएगा। इसी तरह से आपसे मैं कहता हूँ भाई सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो लाइन कट करे, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो लाइन कट करेगी, देखिए देखिए ये सेकंड है ये फोर्थ है, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड और फोर्थ है, तो सेकंड और फोर्थ को जो लाइन कट करेगी देखिए, तो ये क्या बनेगा एंगल, ये एंगल बनेगा आपके पास देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये आपके पास 90 है पूरा, ठीक है, फिर ये वाई से एक्स डैश तक ये भी 90 है, तो ये यहाँ तक ही हो जाएगा टोटल 135, तो 135। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट 135 डिग्री आएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखा एमसीक्यू में पूछ लेते, ठीक है ना। तो फर्स्ट का और थर्ड का 45 है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 होता है उसका हाफ होगा 45, और फिर देखें एक्स यानी ये जो एक्स से लेके वाई तक कितना है 90 है, 90 और फिर ये बाइसेक्ट है, तो 90 प्लस 45 135, तो ये आपने याद रखना। तो ये हो गया इंक्लिनेशन, ठीक है बेटा, ये हो गया इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन के बाद था स्लोप, स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, तो बेटा देखिए स्लोप और ग्रेडियंट की देखिए दो तीन डेफिनेशन है, दो तीन तरीकों से हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए पहला तो इसका देखें ये है कि आपने पढ़ा देखें कि ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y, ठीक है। अब ये था आपके पास एक लाइन है,
अब हम पढ़ते हैं ये इंक्लिनेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये एंगल अल्फा है, इंक्लिनेशन, ठीक है। यानी कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस सपोर्ट एक्शन की तरफ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, आपने याद रखना ग्रेडियंट की एक डेफिनेशन क्या होती है, कि जो इंक्लिनेशन है अगर हम इसका क्या ले लें, द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट, यानी इंक्लिनेशन तो आपको समझ में आ गया ना, कि इंक्लिनेशन कहता है कि वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बनता है, ठीक है। तो अगर हम इस इंक्लिनेशन का टेंजेंट ले लें तो ये कहलाता है स्लोप। तो यानी क्या होगा, एक डेफिनेशन तो ये होगी द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड द स्लोप ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया है, दैट इज ये क्या होगा, जो देखेंगे ये आपके पास एम क्या होगा, इसको ज्यादा एम से शो करते हैं, नहीं देखिए अगर हम ये जो अल्फा है, देखिए जो अल्फा था ग्रेडियंट, ठीक है, ये अल्फा जो था इंक्लिनेशन, अगर इसका टेंजेंट ले लेंगे तो ये कहलाएगा आपके पास स्लोप कहलाएगा। इसको ज्यादातर हमेशा एम से शो करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट को यानी स्लोप को ज्यादातर एम से शो करते हैं, ठीक है। और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा अगर आपके पास क्या होगा, यानी स्लोप इज पॉजिटिव, ये क्या होगा, जीरो लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 90, जीरो और 90 के दरम्यान होगा तो पॉजिटिव होगा, और स्लोप इज नेगेटिव इफ ये हो जाएगा, ठीक है, 90 less than alpha, alpha less than 180 degree, यानी अगर 90 और 180 के दरमियान होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, और अगर 0 से लेकर 90 के दरमियान होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा ये तो होगी स्लोप की एक डेफिनेशन, स्लोप या ग्रेडियंट की, अगर हम इंक्लिनेशन का टेंजेंट ले लें तो ये स्लोप कहलाता है, ठीक है। ये तो तब है जब आपको इंक्लिनेशन दिया हो, ठीक है। अब इसका एक स्लोप और होता है, यानी इसको हम यूं स्लोप को ना, आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है, ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, देखिए जब भी आप यानी सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आपके पास, देखिए ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये आपके इंक्लाइंड, ये आपके पास एक, ठीक है, एक समझिए कि जो है ना झूला है, आपने जैसे इसको यूं ऊपर जाना है, ठीक है,
देखिए आपके पास, देखिए आपने फॉर एग्जांपल इंक्लाइंड प्लेन पे जाना है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे आप ऊपर कोई झूले चढ़ रहे हैं, या जैसे वो जैसे वो जिसके ऊपर आप स्लाइड करते हैं, ठीक है, या जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो देखिए क्या होते हैं कि आप दोनों डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रन, इसको हम कहते हैं रन, और ये आपके पास क्या है राइस। एक डेफिनेशन ये भी है स्लोप की, कि स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। देखिए जो राइज ऊपर जा रहे हैं, ये आपके ये होता है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको वाई से शो करते हैं, और ये जो रन है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमेशा जाता है एक्स से शो करते हैं। हम इसको जो है ना यू भी लिख सकते हैं, जो टेंजेंट अल्फा है ना, और फिर देखें और एम से लिखते हैं, अगर हम इसका टैन ले लें, ठीक है, और एम को हम क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा भी लिख सकते हैं, तो ये वाई ओवर एक्स। बट देखिए एक स्लोप इन ये भी होता है राइज ओवर रन, तो जब भी हम इंक्लाइंड प्लेन को कवर करते हैं या इंक्लाइंड डिस्टेंस कवर करते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास था स्लोप, यानी दो डेफिनेशन आ गई। अब तीसरा ये अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, दो पॉइंट्स दिए, उसी के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब ये स्लोप ऑफ अ लाइन, गिवन पॉइंट्स, यहाँ आपको दो पॉइंट दिए हैं और आप इनके दरमियान आपने स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो अब बेटा देखें, जब हम दो पॉइंट्स गिवन हो और आपने इनका स्लोप फाइंड करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब ये एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है दो, जिसके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास है पी वन है, ये पॉइंट है पी वन, एक्स वन कोमा वाई टू, यहाँ भी एक पॉइंट है पी टू है, ठीक है। और ये वाली एंगल जो, ये जो लाइन एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रही है अल्फा, ठीक है, ये बना रही है अल्फा, अब बेटा आप क्या करें, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स वन वाई वन से, ये पॉइंट वो पी टू है, एक्स टू वाई टू, और ये पॉइंट आपके पास पी वन है,
अच्छा बेटा, अब हम लोग यानी हमने क्या करना है कि दो एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आपने स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने ये एक लाइन ली है, एल लाइन ली है जो एंगल बना रही है अल्फा, और दो पॉइंट से पास हो रही है पी एक्स वन वाई वन और पी एक्स टू वाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहाँ से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं आप एक्स वन वाई वन से, दूसरा एक्स टू वाई टू से। एक मैंने यहां से ले लिया, एक मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। अच्छा अब देखें ये, क्योंकि ये लाइन कट करी, देखें ये आपका पैरेलल लाइन है, ये नॉन वर्टिकल लाइन, तो जो एंगल अल्फा यहाँ पर होगा वही वाला एंगल अल्फा यहाँ पर होगा, ठीक है। वाला एंगल अल्फा क्या होगा, यहाँ पर होगा, जिसे हम देखें जिसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ कौन सा, क्यू, ये पॉइंट एक मैं ले रहा हूँ क्यू। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास एक्स वन होगा वो यहाँ पे भी पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ये पॉइंट एक्स वन है तो ये पॉइंट होगा क्यू, हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा। और जो वाई टू जो जा रहा है, जो वाई टू ऊपर है वही, ठीक है, ऊपर वाई टू, नीचे क्या होगा, वाई वन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई वन। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ क्यू, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ पॉइंट क्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेटा देखिए ये पॉइंट पी वन तो आपका एक्स वन है, तो ये क्यू हो जाएगा एक्स टू, ठीक है। और ये वाई टू है, ये तो ये वाई वन हो जाएगा, नीचे वाई वन हो जाएगा। तो बेटा अब देखिए ये जो आपके पास, यानी ये जो देखिए जो पी से क्यू तक में चेंज आएगा, जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल चेंज आएगा, ये आएगा वाई टू माइनस वाई वन, और जो हॉरिजॉन्टल चेंज आएगा ये आपके पास आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। नहीं, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में चेंज आता है और वर्टिकल में चेंज आता है, वाई में चेंज आता है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर आप यहाँ पे यूज करें टेन का फार्मूला, तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, क्यू पी टू, क्यू पी टू, ठीक है। और जो बेस आपके पास क्या है, पी वन और क्यू। अब देखिए आपका टेन अल्फा आपके पास आ जाएगा, क्यू पी टू आपके पास है वाई टू माइनस वाई वन, और पी वन क्यू आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। और टेन अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, स्लोप का नाम दे सकते हैं, ठीक है। टेन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स। तो बेटा आपने याद रखना, जब भी दो पॉइंट्स दिए होंगे तो आप इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है कि तो जैसे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स दे दिए आपको, एक पॉइंट ए आपके पास है फाइव कॉमा थ्री, दूसरा पॉइंट बी जैसे है माइनस टू कॉमा फोर, कहते हैं फाइंड स्लोप और ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट स्लोप का फॉर्मूला ये होता है ना, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
अब देखिए एम इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास है एक्स वन और वाई वन है, और ये हमारे पास एक्स टू और वाई टू है, ठीक है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू है। तो स्लोप का फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू है 4 और वाई वन है 3, फिर एक्स टू आपके पास है माइनस टू और एक्स वन आपके पास है 5। एम आपके पास क्या आएगा, 4 में से 3 का 1, माइनस टू माइनस फाइव -7, तो ये -7 के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो एम आपके पास आ जाएगा -1/7। बेटा आपने याद रखना है कि जब भी दो पॉइंट्स दिए हो और आपने स्लोप निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। अच्छा अब देखो, देखिए दो टॉपिक हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो इनके स्लोप क्या होंगे और दो लाइनें परपेंडिकुलर हो इनके स्लोप क्या होंगे, ठीक है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप्स ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर बेटा देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल उनका स्लोप क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर उनका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए आपके पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देख जैसे एक लाइन आपके पास है एल वन, ठीक है, एक लाइन है एल टू, ये लाइन आपके पास एल वन है, लाइन एल टू है, इसका जो इंक्लिनेशन है ये आपके पास क्या है अल्फा वन है, ये अल्फा टू है। अब ये दोनों लाइनें क्या पैरेलल हैं, ठीक है, एल वन पैरेलल टू एल टू, जो साइन होता है ये होता है पैरेलल का, ठीक है। बट देखिए अब ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल, तो अभी देखिए जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, देखिए आप जैसे देखिए दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो है एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश कट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये अल्फा वन और अल्फा टू देखिए ये आपके पास क्या है, ये इक्वल होंगे, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, दोनों लाइन की एक तरफ है एक एक्सटीरियर एक बाहर एक क्या है अंदर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसमें क्या देखिए अल्फा वन और अल्फा टू दोनों के बराबर है, और आप दोनों के टेंजेंट ले लें, टेंजेंट अल्फा वन और टेंजेंट अल्फा टू,
टेन अल्फा वन को आप एम वन दे दो, टेन अल्फा टू को एम टू दे दें। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके हमेशा ग्रेडियंट या स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे, आपने याद रखना है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है, तो ये आपने याद रखिएगा, ठीक है। ये था पैरेलल, अब है परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो तब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपके पास एक लाइन है एल वन, ये आपके पास लाइन एल वन है, ये एल टू है। देखिए इसका इंक्लिनेशन अल्फा, इसका इंक्लिनेशन ले रहा हूँ अल्फा टू ले रहा हूँ, इसका इंक्लिनेशन अल्फा ले रहा हूँ, ठीक है, अल्फा वन ले रहा हूँ। और ये वाला एंगल ना कट करके 90 डिग्री ले रहा हूँ, 90 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेटा आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा टू हम ले सकते हैं, अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस 90 डिग्री, ठीक है, या यूं सकते हैं अल्फा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा वन। ये हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ ना कि क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इंक्लिनेशन, अब स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट लेते हैं, दोनों तरफ टेंजेंट ले लें, तो टेंजेंट अल्फा टू इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री प्लस टेंजेंट अल्फा टू इज इक्वल टू, आपको याद होगा जब भी 90 के साथ ऑड नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है किसमें, कोर ट्रिग्नोमेट्रिक में, टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्ड में, तो ये कॉर्ड अल्फा वन आ जाएगा, ठीक है। और कॉर्ड और 90 प्लस अल्फा वन सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉर्ड टेन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब टेन, ठीक है, अब ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा टू इज इक्वल टू वन कॉर्ड वन ओवर कॉर्ड होता है टेंजेंट अल्फा वन। टेन अल्फा टू को हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं एम टू वन ओवर एम, टेन अल्फा वन को एम वन। कहने का मतलब यह कि जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगी, एक लाइन का स्लोप दूसरे के रेसिप्रोकल होगा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं दोनों के, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।